वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, काफी समय से हम बात कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव वर्ड्स की, स्टार्टिंग विद लेटर्स, एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कॉम्पिटेटिव वर्ड्स स्टार्टिंग विद लेटर्स एक्स, वाई एंड जेड। वी विल ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट देयर सिनोनिम्स। तो दोस्तों, इस कंसेप्ट का ये लास्ट एपिसोड होगा, यानी कि नेक्स्ट एपिसोड में हम एक नया कंसेप्ट शुरू करेंगे, पर आज के लिए हम बात करने वाले हैं कॉम्पिटेटिव वर्ड्स स्टार्टिंग विद लेटर एक्स वाई जेड। तो चलिए जल्दी से आप हमारी रेडियो उड़ाने स्काइप आईडी जुड़ जाइए, और कोई आइडियाज हैं, व्यूज है या कुछ आपको समझ नहीं आ रहा, साथ के साथ आप बिल्कुल ड्रॉप इन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस 67th एपिसोड की। जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, क्योंकि ये लर्निंग सेशन बिल्कुल शुरू होने वाला है। स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग। उफ़ो मम्मा, कहाँ जा रही हूँ? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? उफ़ो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है, प्लीज बेटा मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है, अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूंगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, इन दिस फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 67th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी टूर्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कॉम्पिटेटिव वर्ड्स स्टार्टिंग विद लेटर एक्स, वाई एंड जेड। तो चलिए बढ़ाते हैं कदम पहले वर्ड की तरफ। द फर्स्ट वर्ड फॉर द इवनिंग इज ज़ेनोफोबिया। ज़ेनोफोबिया, एक्स ई एन ओ पी एच ओ बी आई ए, ज़ेनोफोबिया, एक्स ई एन ओ पी एच ओ बी आई ए, ज़ेनोफोबिया, यानी कि अ फियर ऑफ फॉरनर्स और स्ट्रेंजर्स। जी हाँ, एक डर फॉरनर्स का या फिर स्ट्रेंजर्स का, जिन्हें आप नहीं जानते, तो वो डर, उस डर को हम कह देते हैं ज़ेनोफोबिया। जैसे रेसिज्म एंड ज़ेनोफोबिया आर स्टेडिली ग्रोइंग इन यूरोप। रेसिज्म एंड ज़ेनोफोबिया आर स्टेडिली ग्रोइंग इन यूरोप, कि मतलब यूरोप में जो ये डर है ये बढ़ता ही चला जा रहा है, एक तो रेसिज्म और ज़ेनोफोबिया। तो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर, ज़ेनोफोबिया। तो जैसे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं रेसिज्म, रेशियलिज्म या फिर रेशियल हेटर्ड। तो चलिए, द सेकेंड वर्ड फॉर द इवनिंग इज याहू। याहू, वाई ए एच डबल ओ याहू, वाई ए एच डबल ओ याहू, यानी कि अ पर्सन हु इज नॉट वेरी इंटेलिजेंट और इंटरेस्टेड इन कल्चर। कोई ऐसा व्यक्ति जो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है या फिर उसे इतना इंटरेस्ट नहीं है कल्चर में, तो उसे हम कह देते हैं याहू। जैसे व्हाट आई वांटेड टू ब्रिंग टू योर डिस्टिंग्विश्ड नोटिस इज दिस, दैट यू आर मस्ट नॉट बिहेव लाइक अ याहू। मतलब मैं जो तुम्हारे ध्यान में लाना चाहता हूँ बात, वो ये है कि तुम एक याहू की तरह रिएक्ट मत करो, कि एक व्यक्ति जिसमें इंटेलिजेंस की कमी है, जो बेवकूफ है, उसके तरीके की हरकत मत करो। सो व्हाट आई वांटेड टू ब्रिंग टू योर डिस्टिंग्विश्ड नोटिस इज दिस, दैट यू मस्ट नॉट बिहेव लाइक अ याहू। तो याहू का मतलब अ पर्सन हु लैक इंटेलिजेंस और हैज लेस इंटरेस्ट और नो इंटरेस्ट इन कल्चर। तो दोस्तों, इस याहू का एक सिनोनिम हो सकता है स्टूपिड। तो याहू का एक और मीनिंग भी है, और वो है जैसे एक एक्साइटमेंट, एक आप बिल्कुल अपना हुर्रे, जैसे एक वर्ड होता ना ये, इस होता कि
कोई व्यक्ति बहुत खुश एक्साइटेड है, उत्साहित है, तो बहुत एक्साइटेड है, तो यहाँ पे याहू भी एक एक्साइटेड फीलिंग, जैसे दे लर्न न्यू थिंग्स एंड दे हैव अ गुड टाइम, याहू मतलब बहुत बढ़िया, याहू कि पिकनिक भी उस दिन और उस दिन मैं अपने दोस्तों से भी मिलूंगा, याहू मतलब मजा ही आ जाएगा। सो एक एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस भी है। तो याहू के दो मीनिंग हो गए, एक अ पर्सन हु लैक्स इंटेलिजेंस और इज नॉट इंटरेस्टेड इन कल्चर, द सेकेंड वर्ड याहू का जो मीनिंग है वो है जैसे कोई खुशी या एक्साइटमेंट दिखाना, दर्शाना, सो वो गया याहू। तो याहू, तो चलिए दोस्तों, द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग इज यर्न, YEARN, यर्न, YEARN, यर्न, यानी कि डिजायर स्ट्रांगली और पर्सिस्टेंटली, मतलब किसी चीज की मांग करना, उसके लिए भूख, उसे डिजायर करना कि मुझे ये चीज मिल जाए, तो स्ट्रांगली पर्सिस्टेंटली, तो वो था यर्न। जैसे ही यर्न्ड फॉर अ सिगरेट, मतलब एक सिगरेट के लिए उसकी भूख, उसे मतलब तड़प हो रही थी कि मुझे बस ये मिल जाए, तो वो यर्न, एक तड़प, एक डिजायर, सो ही यर्न्ड फॉर अ सिगरेट। तो दोस्तों, द सिनोनिम्स फॉर द वर्ड यर्न कैन बी लाइक हैंकर, लैंग्विश, लॉन्ग, पेंट। तो चलिए, द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज वेल। YELP, 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 यानी कि बार्क इन अ हाई पिंच्ड टोन, मतलब बहुत तीखी सी ऊंची सी आवाज में भौंकना, तो उसे हम कह देते हैं YELP। जैसे द पपीज YELP, बाहर बहुत जोर की ठंड हो रही है, तो जो छोटे छोटे पपीज हैं, डॉगी के बच्चे हैं, वो जोर जोर की तीखी आवाज में चिल्ला रहे हैं, तो वो क्या है, दे आर YELPing। सो The puppies yelped। और दोस्तों, इसका एक और मीनिंग भी हो सकता है, कोई भी हाई पिच्ड वॉइस या cry, चीख, a sharp high pitched cry, that is, मतलब या तो डॉगी ने निकाली हो मेनली, या फिर कोई वैसे ही चिल्ला रहा हो जोर जोर की बहुत तीखी आवाज में, तो उसे भी हम कह देते हैं yelp। तो इसका synonym हो सकता है loud cry। तो दोस्तों, दीज वर द फोर वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ द 67th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। लेट मी टेक अ क्विक रीकैप। द फर्स्ट वर्ड वाज ज़ेनोफोबिया, XENOPHOBIA, ज़ेनोफोबिया, XENOPHOBIA, ज़ेनोफोबिया, यानी कि अ फियर ऑफ फॉरनर्स और स्ट्रेंजर्स। जैसे रेसिज्म एंड ज़ेनोफोबिया आर स्टेडली ग्रोइंग इन यूरोप, कि यूरोप में ये दोनों फीलिंग, भावनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, तो ज़ेनोफोबिया। द सिनोनिम्स फॉर द वर्ड वर रेसिज्म, रेशियलिज्म, या फिर रेशियल हेटर्ड। द सेकंड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज याहू, YAHOO, याहू, एंड द मीनिंग वाज अ पर्सन हु इज नॉट वेरी इंटेलिजेंट और इंटरेस्टेड इन कल्चर, कोई ऐसा व्यक्ति जो इतना इंटेलिजेंट नहीं है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे कल्चर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो उसे हम कह देते हैं याहू। जैसे व्हाट आई वांटेड टू ब्रिंग टू योर नोटिस इज दैट यू मस्ट नॉट बिहेव लाइक अ याहू। जो मैं तुम्हारे ध्यान में बात लाना चाहता था या चाहती थी, वो इतनी सी थी कि तुम्हें एक याहू की तरह बर्ताव नहीं करना चाहिए। याहू मतलब बेवकूफ, जिसमें इंटेलिजेंस की कमी है। तो दोस्तों, इसका सिनोनिम था स्टूपिड, और याहू का एक और मीनिंग भी है, और वो मैंने बताया था, जैसे एक फीलिंग खुशी की, एक्साइटमेंट की, तो हम कहते हैं याहू, तो वो फीलिंग। आई होप यू आर रिलेटिंग इट, राइट? जैसे दे लर्न न्यू थिंग्स एंड दे हैव अ गुड टाइम, याहू कि मतलब उन्होंने नई नई चीजें सीखी और बहुत अच्छा उनका टाइम रहा, तो वाओ, वाह, याहू। तो आई होप यू आर रिलेटिंग विद द वर्ड। फिर भी अगर कोई डाउट्स हैं, आप बिल्कुल ड्रॉप इन कर सकते हैं। तो चलिए, द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज यर्न, YEARN, यर्न, YEARN, यर्न, यानी कि डिजायर स्ट्रांगली और पर्सिस्टेंटली, किसी चीज को चाहना, बिल्कुल भूख हो आपको कि मुझे मिल जाए बस,
तो वो गया यर्न, जैसे ही यर्न फॉर अ सीक्रेट, एक सीक्रेट के लिए वो यर्न कर रहा था, तड़प रहा था कि बस मुझे सीक्रेट मिल जाए, तो यर्न। द सिनोनिम्स फॉर द वर्ड यर्न आर हैंकर, लैंग्विश, लॉन्ग, पेंट। तो दोस्तों द फोर्थ वर्ड फॉर द फर्स्ट सेगमेंट वॉज येल्प, YELP, येल्प, YELP, येल्प, यानी कि बार्क इन अ हाई पिच्ड टोन, बहुत तीखी ऊंची आवाज में भौंकना, उसे हम कह देते हैं येल्प, जैसे द पपीज येल्प्ड। या फिर कोई तीखी आवाज जो बहुत तीखी हो और ऊंची हो, चीख हो, तो स्पेशली डॉगी से, पर कोई व्यक्ति भी बोल सकता है, मतलब निकाल सकता है, जैसे अ शार्प हाई पिच्ड क्राई स्पेशली बाय अ डॉग। तो सिनोनिम फॉर द वर्ड येल्प कैन बी लाइक loud cry. So those are these were the four words for the first segment. You are listening to Vocabulary Dose and today we are talking about competitive words starting with letters X, Y and Z. So main Divya Sharma lautungi is chote si break ke turant us par. Happy listening, happy learning. Radio You are listening. Radio You. A flight of life. www.radioeden.com. So now we are in the second segment of the 67th episode of Vocabulary Dose. Today we are talking about competitive words starting with letters X, Y and Z. तो चलिए अब बढ़ाते हैं कदम fifth word की तरफ. The fifth word for the evening is yield. Yield. Y-I-E-L-D. Yield. Y-I-E-L-D. Yield. यानी कि be the cause or source of किसी चीज का कॉज होना या सोर्स होना, तो उसे हम कह देते हैं yield. जैसे he yielded me a lot of trouble, कि मतलब वो कारण बना मेरी प्रॉब्लम्स का, मेरी डिफिकल्टी का, ट्रबल का, तो जरिया बना, तो जरिया यानी कि yield. जैसे be the cause और source of. So during my school times he yielded me a lot of trouble, मतलब से मुझे बहुत ट्रबल हुआ, तो yield. I hope आपको समझ आया होगा yield. The synonym for the word yield are bear, afford. तो चलिए the sixth word for the evening is yonder. Y-O-N-D-E-R, yonder. Y-O-N-D-E-R, yonder. Yonder यानी कि distant but within sight. Distant but within sight. मतलब आप से बहुत दूर है कोई चीज पर फिर भी आपको दिख रही है, तो वो हो गया yonder. जैसे yonder valley या फिर the hills yonder. मतलब suppose कीजिए आप किसी hill station पे हैं और आप अपने होटल की बालकनी में खड़े हुए हैं और वहां से आप देख रहे हैं यहाँ वहां और आपको दूर एक वैली दिखाई दे रही है, तो बहुत दूर है वो पर फिर भी वो आपको दिखाई दे रही है थोड़ी थोड़ी, आपकी बिल्कुल दायरे में है नजर के, तो वो क्या हो गया yonder. सो yonder यानी कि डिस्टेंट बट विद इन साइट. द सिनोनिम फॉर द वर्ड yonder कैन बी yawn. तो चलिए द सेवंथ वर्ड फॉर द इवनिंग इज योर. Your, Y-O-R-E, your, Y-O-R-E, your. Well, Y-O-R-E, your, yani ki time long past, bahut pehle ka, ya phir once upon a time. Aapne suna hoga kafi kahaniyon mein ya phir kafi talks mein, conversations mein, log kehte hain once upon a time I used to be a beautiful dancer. Once upon a time, I used to be a wealthy man. Once upon a time, I used to be a professional swimmer. Blah, blah and blah. कि एक समय की बात है, तब मैं ये होता था, मैं ये होती थी, हमने वो किया था, हमने ये किया था. तो once upon a time, एक समय की बात है. तो उस चीज को हम कहते थे your. Y-O-R-E, your. यानी कि time long past. So your, I used to be a great dancer. मतलब बहुत पहले की बात है, या एक समय की बात है. तब मैं बहुत खूबसूरत डांसर हुआ करता था. सो योर. द सिनोनिम फॉर द वर्ड योर कैन बी लाइक लॉन्ग अगो. तो चलिए
The eighth word for the evening is Zany. Z-A-N-Y, Zany. The eighth word for the evening is Zany. Z-A-N-Y, Zany. तो दोस्तों इसका मतलब होता है एक तो foolish और एक होता है ludicrous. मतलब सिंपल सी बात है कि जैसे he gave me a zany reason for not going. मतलब मैंने उससे पूछा कि तुम पार्टी में क्यों नहीं आए, तो उसने एक बहुत ही foolish था एक रीजन दिया. तो foolish था मतलब बिल्कुल ही बेतुका सा. तो ludicrous या फिर foolish मतलब बहुत ही बेतुका foolish. तो उससे हम कहते थे zany. Z-A-N-Y, zany. Z-A-N-Y, zany. जैसे दोस्तों इसके synonym हो सकते हैं clown-like या फिर buffoonish या फिर cocoon या फिर fat head. तो चलिए दोस्तों, these were the four words for the second segment of this episode. Let me take a quick recap. तो दोस्तों, the fifth word for the evening was yield. Y-I-E-L-D, yield. यानि कि be the cause or source of. किसी चीज का कारण होना, जरिया होना, तो वो होता है yield. जैसे he yielded me a lot of trouble. उसकी वजह से मुझे बहुत problems का, troubles का सामना करना पड़ा. तो he yielded me. He yielded me. तो दोस्तों, the synonyms were bear, afford. तो चलिए, the sixth word for the evening was yonder. Y-O-N-D-E-R, yonder. Y-O-N-D-E-R, yonder. यानि कि distant but within sight. कोई ऐसी चीज जो बहुत दूर हो पर आपकी नजर के अंदर हो. मतलब दिखाई आपको दे रही है. तो yonder. जैसे yonder valley. या फिर the hills yonder. मतलब दूर valley आपको दिखाई दे रही है. बहुत दूर है पर दिखाई दे रही है. तो yonder. The synonym for the word yonder was yawn. Y-O-N, yawn. तो चलिए, the seventh word for the evening was your. Y-O-R-E, your. Y-O-R-E, your. Your का मतलब मैंने बताया था बहुत पहले की बात है, या फिर time long past, या once upon a time, एक समय की बात है. बहुत पहले मैं यूं किया करता था, ये होता था, वो किया करता था. मैं बहुत ही अच्छा डांसर था, मैं बहुत ही अच्छा पेंटर था, मैं बहुत ही अच्छी गायक थी, एंड ब्ला ब्ला एंड ब्ला. तो एक समय की बात है, तो उसे हम कहते थे योर. तो दोस्तों, योर का सिनोनिम हो सकता है लॉन्ग अगो. तो चलिए, द एट्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वॉज जेनी. जेड ए एन वाई, जेनी. यानी कि ludicrous या फिर foolish. Ludicrous या फिर foolish मतलब बहुत ही foolish, बेवकूफ या बेतुका. जैसे he gave me a zany reason for not going. मतलब ना जाने के लिए उसने एक बहुत ही बेतुका सा, foolish सा एक reason दिया. तो he gave me a zany reason for not going. तो zany मतलब foolish, ludicrous. तो दोस्तों, the synonyms for the word zany were clown-like, buffoonish या फिर fat-head. So, chaliye, let me take a quick break and I'll be right back with the next segment. You are listening to Vocabulary Dose and today we are talking about commutative words starting with letters X, Y and Z. So, chaliye, milti hu aapko is break ke turant us paar. Stay tuned. Radio. You are listening. Radio Udaan, a flight of life. www.radioudaan.com. तो दोस्तों, now we are in the third segment of the 67th episode of Vocabulary Dose and now we are going to move further towards the ninth word. Today we are talking about competitive words starting with letters X, Y and Z. तो चलिए, the ninth word for the evening is zealot. Z-E-A-L-O-T, zealot. Z-E-A-L-O-T, zealot. Zealot yani ki a person who is fanatical and uncompromising in pursuit of their religious, political or other ideologies, blah blah and blah. To dosto, zealot yani ki a person who is fanatical and uncompromising in pursuit of their religious, political or other ideologies. Matlab jis cheez ko manta hai uske andar itna zyada dooba hua hai ki usse against ko sun hi nahi sakta. उसके प्रति बहुत ही ज्यादा वो रिजिड है, कटर है.
तो वो हो गया ज़ेलट। जैसे कोई व्यक्ति है सपोज आपके दोस्तों में जो बहुत ही ज्यादा एक पार्टी को मानता है, तो वो उसके अगेंस्ट कुछ सुन ही नहीं सकता, बहुत ही ज्यादा उसके प्रति कट्टर है या बहुत ही ज्यादा मतलब फनेटिकल है, तो वो क्या हो गया ज़ेलट, ZEALOT, ज़ेलट। तो दोस्तों द सिनोनिम्स फॉर द वर्ड ज़ेलट कैन बी लाइक, तो ज़ेलट के सिनोनिम्स हो गए फनेटिक, एंथुजियास्टिक या एक्सट्रीमिस्ट। तो चलिए द 10th वर्ड फॉर द इवनिंग इज ZEST, 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 यानी कि vigorous and enthusiastic enjoyment, मतलब बहुत ही ज्यादा vigorous, बहुत ही ज्यादा enthusiasm, जोश, जुनून से भरा और बहुत खुशी हो, तो वो क्या हो गया ZEST। जैसे there was a zest in his voice when he was telling about his upcoming picnic, मतलब जब वो अपनी आने वाली पिकनिक के बारे में बता रहा था तो उसकी आवाज में एक जेस्ट था, मतलब एक विग्रस थी, एक एंथुजियाज्म था, एंजॉयमेंट थी, तो जेस्ट, जुनून, जोश, उत्साह, खुशी, तो वो हो गया जेस्ट। तो दोस्तों इसका एक और मीनिंग भी हो सकता है, जैसे अ टार्ट स्पाइसी क्वालिटी या मतलब एक टेस्ट, तो उसे भी हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं जेस्ट, जैसे खाने में एक अलग सा स्वाद है, तो वो क्या हो गया जेस्ट। तो द सिनोनिम फॉर द वर्ड जेस्ट कैन बी लाइक गस्टो, निप या फिर पीकन्स। तो चलिए द 11th वर्ड फॉर द इवनिंग इज ज़ेफ़र, ज़ेफ़र, ZEPHYR, ज़ेफ़र, ZEPHYR, ज़ेफ़र, यानी कि अ स्लाइट विंड, यूजुअली रिफ्रेशिंग, मतलब एक धीमी धीमी हवा चल रही है तो बहुत ही रिफ्रेशिंग है, ठंडी है, तो वो हो गया ज़ेफ़र। जैसे द ज़ेफ़र वाज कूल्ड बाय द लेक, मतलब जो लेक के आसपास हवा के हल्के हल्के झोंके थे वो बहुत ही ज्यादा ठंडे थे, तो ज़ेफ़र मतलब हवा के झोंके को ब्रीज भी कह सकते हैं हम इसे, तो वो हो गया ज़ेफ़र, ZEPHYR, ज़ेफ़र। द सिनोनिम फॉर द वर्ड ज़ेफ़र आर ब्रीज या कूल विंड, तो दिस वॉज द वर्ड ज़ेफ़र। तो चलिए द 12th वर्ड फॉर द इवनिंग इज ज़ीनथ, ज़ीनथ, ZENITH, ज़ीनथ, ZENITH, ज़ीनथ, ज़ीनथ यानी कि द टाइम एट विच समथिंग इज मोस्ट पावरफुल और सक्सेसफुल, कोई ऐसा समय किसी व्यक्ति का या किसी जनरेशन का या किसी टीम का जो वो बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत अच्छा टाइम है, तो वो हो गया ज़ीनथ। जैसे सपोज एक एग्जाम्पल है, इन 1977 पंक वाज एट इट्स ज़ीनथ, मतलब 1977 के समय में जो पंक था वो बहुत ही ज्यादा ज़ीनथ पे था, मतलब सक्सेस पे था, तो ज़ीनथ यानी कि बहुत ऊंची सक्सेसफुल जगह, स्थिति, सिचुएशन किसी के लिए, तो ज़ीनथ। जैसे देयर वाज अ, जैसे द प्रीवियस ईयर वाज अ ज़ीनथ फॉर कोहली, तो कोहली ने बहुत अच्छे अच्छे मैच खेले और ये वो, तो ज़ीनथ रहा है। तो हियर डोंट गेट इनटू फैक्ट्स बिकॉज आई एम नॉट गुड एट क्रिकेट बट आई जस्ट गिव एन एग्जाम्पल। तो कोहली का बहुत अच्छा समय था सपोज 2016, तो हमने क्या कह दिया 2016 वाज अ ज़ीनथ फॉर कोहली, तो कोहली, विराट कोहली। तो ज़ीनथ के सिनोनिम हो सकते हैं दोस्तों हाईएस्ट पॉइंट या फिर हाई पॉइंट। तो दोस्तों दीज वर द सिनोनिम्स फॉर द वर्ड ज़ीनथ। तो ये हो गए चार वर्ड्स हमारे थर्ड सेगमेंट के। लेट मी टेक अ क्विक रीकैप, द 9th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज ज़ेलट, ZEALOT, ज़ेलट, ज़ेलट, ZEALOT, ज़ेलट, यानी कि अ पर्सन हु इज फनेटिकल एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग इन परस्यूट ऑफ देयर रिलीजियस, पॉलिटिकल और अदर आइडियोलॉजीज, कि अपनी आइडियोलॉजी में, अपनी सोच में, अपने विचारों में किसी पॉलिटिकल, रिलीजियस या फिर दूसरे तरीके के, उनमें बहुत ही ज्यादा कट्टर है, बहुत ही रिजिड है, तो वो हो गया ज़ेलट, ZEALOT, ज़ेलट। द सिनोनिम्स फॉर द वर्ड ज़ेलट कैन बी लाइक फनेटिक, एंथुजियास्ट
या फिर एक्सट्रीमिस्ट। तो चलिए द टेंथ वर्ड वाज जेस्ट, ZEST, जेस्ट। जेस्ट यानी कि विग्रस एंड एंथुजियास्टिक, एंजॉयमेंट, बहुत ही विग्रस, बहुत ही एंथुजियास्टिक, बहुत ही एंजॉयमेंट, खुशी, उमंग। तो वो हो गया सब, क्या हो गया, जेस्ट। जैसे He was telling me about his upcoming picnic with a lot of zest. मतलब zest यानी कि बहुत ही vigorous, बहुत ज्यादा enjoyment, enthusiasm, जोश, जुनून, खुशी। तो zest। एक और meaning हो गया zest का, a tart, spicy quality। मतलब एक बिल्कुल अलग, हटके। तो किसी suppose कीजिए आप कुछ खा रहे हैं और उसमें हटके taste आ रहा है, तो pungent taste आ रहा है। तो आपने क्या कहा? It is A zest dish, मतलब zest मतलब suppose कि एक हटके। तो दोस्तों इसका synonym हो गया gusto, nip या फिर piquant। तो चलिए the 11th word for the evening was zephyr, 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 यानी कि a slight wind, एक धीरे से हल्की हल्की धीमी धीमी हवा चल रही है, रिफ्रेशिंग, तो उसे हम कह देते हैं जेफर। जैसे द जेफर वाज कूल्ड बाय द लेक, मतलब लेक के आसपास जो हवा थी वो बहुत ठंडी थी, मतलब जो हवा का धीमा धीमा झोंका चल रहा था, तो वो जेफर कहते हैं उसे। द सिनोनिम्स फॉर द वर्ड जेफर आर ब्रीज, कूल विंड। तो दोस्तों द 12th वर्ड वाज जीनथ, ZENITH, 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 यानी कि कोई ऐसा समय जब कोई व्यक्ति बहुत सक्सेस की स्टेज पे है या फिर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो उसे हम कह देते हैं zenith। जैसे the time at which something is most powerful or successful, जैसे in 1977 punk was at its zenith, मतलब उसकी ऊंचाइयों पे था। या फिर suppose कीजिए कोई व्यक्ति, विराट कोहली जैसे पिछले सालों में बहुत ही ज्यादा उसने सक्सेस पाई है, बहुत ही ज्यादा ग्रो किया है, तो हम क्या कहेंगे, 2015-2016 हैव बीन अ जीनथ फॉर विराट कोहली। तो दोस्तों द सिनोनिम्स फॉर द वर्ड जीनथ कैन बी लाइक हाईएस्ट पॉइंट या फिर हाई पॉइंट। तो चलिए लेट मी टेक अ क्विक ब्रेक एंड आई विल बी राइट बैक विद द रिमेनिंग वर्ड्स। यू आर लिसनिंग टू वोकैबुलरी डोज एंड आई एम दिव्या शर्मा। स्टे ट्यून्ड and happy learning. Radio, you are listening. Radio U, a flight of life. www.radioudaan.com. तो दोस्तों नाउ वी आर इन द फोर्थ सेगमेंट ऑफ दिस 67th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटेटिव वर्ड्स स्टार्टिंग विद लेटर्स एक्स वाई एंड जेड। तो चलिए अब बढ़ाते कदम 13th वर्ड की तरफ। द 13th वर्ड फॉर द इवनिंग इज जेलस, जेलस, ZEALOUS, जेलस, ZEALOUS, zealous, यानी कि marked by active interest and enthusiasm, मतलब कोई व्यक्ति जो बहुत ही actively किसी चीज में interest ले रहा है, बहुत ज्यादा जोश, जुनून दिखा रहा है, इच्छा दिखा रहा है, enthusiasm दिखा रहा है, तो वो हो गया zealous। तो जैसे you are so willing and zealous, मतलब तुम कितने विलिंग हो कि तुम कितना करना चाहते हो, या फिर जेलस हो, कितने एंथुजियास्टिक हो कि हाँ मैं करूंगा। सपोज कीजिए कोई प्रोजेक्ट है, तो कुछ लोग हैं वो बिल्कुल ही आगे आके कह ही नहीं रहे हैं कि हम करेंगे, या कोई भी उत्साह नहीं दिखा रहे हैं। दूसरी साइड एक व्यक्ति है टॉम, जो बहुत ही ज्यादा ईगर हो रहा है कि हाँ मैं करूंगा, बहुत एंथुजियाज्म दिखा रहा है, बहुत ज्यादा उत्साह दिखा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, यू आर सो विलिंग एंड जेलस, ZEALOUS, zealous, यानी कि अभी बताया marked by active interest and enthusiasm। The synonyms for the word zealous can be like avid। तो चलिए then 14th word for the evening is zesty, 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 यानी कि having pungent taste, मतलब बहुत ही ज्यादा
अलग सा तीखा सा टेस्ट हो, तो उसे हम कह देते हैं हैविंग एन एग्रीएबली पंजेंट टेस्ट। जैसे या फिर सपोज कीजिए कि मार्क्ड बाय स्पिरिटेड इंजॉयमेंट, मतलब कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा खुशी, बहुत ही ज्यादा स्पिरिट, हाई स्पिरिट्स में, तो उसे भी हम क्या कह देते हैं, जेस्टी। जैसे हर सॉन्ग वाज जेस्टी, हर सॉन्ग वाज जेस्टी, मतलब उसका जो सॉन्ग था उसका एक अलग ही स्वाद था, बहुत ही अलग सा तीखा सा स्वाद था और बहुत ही ज्यादा इंजॉयमेंट, हाई स्पिरिट में वो गाना था। सो हर सॉन्ग वाज जेस्टी, ZESTY, जेस्टी। द सिनोनिम्स फॉर द वर्ड जेस्टी कैन बी लाइक बामी या फिर पिंगुइन्ट। तो चलिए द 15th वर्ड फॉर द इवनिंग इज ZEPT, ZAPPED, ZEPT, ZAPPED, और इसका पास्ट फॉर्म ZEPT, ZAPPED, ZEPT, यानी कि स्ट्राइक सडनली एंड विद फोर्स, एकदम से आपको कोई चीज स्ट्राइक करे या फोर्स बहुत ही जोर के साथ, तो वो क्या हो गया, well, वो हो गया ZEPT, ZAPPED, ZEPT, ZEP, यानी कि स्ट्राइक सडनली विद फोर्स, ठीक है, एकदम से जोर की, तो ZEP। जैसे दिस शो ZAPS द व्यूअर्स विद सम शॉकिंग सीन्स, जी हाँ, मतलब एकदम से कोई आप सपोज कीजिए एक प्रोग्राम देख रहे हैं और उसमें एकदम से बहुत खून खराबा हो गया, तो आप एकदम से शॉक में रह गए, तो वो क्या हो गया, द शो ZAPS द व्यूअर्स विद सम शॉकिंग सीन्स, एकदम से सडनली आप शॉक में चले गए कि अरे ये क्या हो गया एकदम से, तो ZAP, एकदम से सडन आपको एक धक्का लगे। या फिर सपोज कीजिए, वेल इसका एक और सेंटेंस भी बना सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए किसी लीडर ने अपने टीम मेंबर्स को कहा फाइट में कि गो एंड ZAP द एनिमी, ZAP मतलब उन्हें बिल्कुल फोर्स के साथ सडनली क्या कर दो, स्ट्राइक कर दो, मतलब खत्म कर दो, तो वो हो गया ZAP। या फिर दोस्तों कुकिंग में भी ये वर्ड यूज होता है, कुक और हीट इन अ माइक्रोवेव ओवन, तो उसे भी हम कह देते हैं ZAP। जैसे यू कैन ZAP द लेफ्ट ओवर्स, मतलब जो खाना बच गया था कल का वो आप गरम कर सकते हो माइक्रोवेव में, सो यू कैन ZAP द लेफ्ट ओवर्स। तो ZAP के दो मीनिंग हो गए, एक हो गया सडन स्ट्राइक विद फोर्स और दूसरा हो गया माइक्रोवेव में, ओवन में कुछ गरम करना, तो उसे भी हम कह देते हैं ZAP। तो दोस्तों द सिनोनिम्स फॉर द वर्ड ZAP कैन बी लाइक एटमाइज्ड या फिर माइक्रोवेव। तो चलिए द लास्ट वर्ड, 16th वर्ड फॉर द इवनिंग इज, 16th वर्ड फॉर द इवनिंग इज ZEGIST, ZEGIST। दोस्तों इसके स्पेलिंग्स ध्यान से सुनिएगा क्योंकि वर्ड कुछ और साउंड करता है, स्पेलिंग्स कुछ और हैं। तो वर्ड है ZEGIST, 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 स्पेलिंग्स हैं ZEIT GEIST, ZEGIST, ZEIT GEIST, ZEGIST। तो दोस्तों इसका मतलब है द स्पिरिट ऑफ द टाइम, द स्पिरिट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एज और जनरेशन, किसी समय का जो टेस्ट है, जो मूड है, उसे हम कह देते हैं ZEGIST। तो किसी समय के, किसी ईरा का, किसी जनरेशन का जो समय रहा है, मूड रहा है, स्पिरिट रही है, तो उसे हम कह देते हैं ZEGIST। जैसे द स्टोरी कैप्चर्ड द ZEGIST ऑफ द लेट 1960s, तो कि उस स्टोरी में जो 1960 में उस सदी में हुआ करता था, उस समय का जो मूड था वो बिल्कुल भरपूर था उस स्टोरी में। द स्टोरी कैप्चर्ड द ZEGIST ऑफ द लेट 1960s। तो दोस्तों सिनोनिम्स फॉर द वर्ड ZEGIST कैन बी लाइक फील, मूड, फ्लेवर। तो दोस्तों दीज वर द लास्ट फोर वर्ड्स फॉर दिस एपिसोड, लेट मी टेक अ क्विक रीकैप। तो चलिए दोस्तों द 13th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज zealous, 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 यानी कि मार्क्ड बाय
एक्टिव इंटरेस्ट एंड एंथुजियाज्म। जब किसी को किसी चीज में इंटरेस्ट हो, एंथुजियाज्म दिखाए, वो जोश दिखाए, जुनून दिखाए, तो उसे हम कहते हैं जेलस। जैसे यू आर सो विलिंग एंड जेलस, कि तुम कितने विलिंग हो, तुम कितना चाहते हो कि तुम करो ये चीज, और तुम्हारे में जेलस कितना, एंथुजियाज्म, जोश, जुनून कितना ज्यादा है, तो जेलस। द सिनोनिम फॉर द वर्ड जेलस कैन बी लाइक एविड। तो चलिए, द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज जेस्टी, ZESTY, जेस्टी, ZESTY, जेस्टी, यानी कि हैविंग एन एग्रीएबली पंजेंट टेस्ट, कोई चीज जिसका एक बिल्कुल हटके टेस्ट हो, एक तीखा सा, अलग सा, तो वो हो गया जेस्टी। जैसे जैसे दिस डिश हैज अ जेस्टी फ्लेवर, मतलब बहुत ही अलग सा फ्लेवर। या फिर सपोज कीजिए किसी ने एक गाना गाया जिसका एक अलग ही स्वाद था, तो वो हो गया हर सॉन्ग वाज जेस्टी, ZESTY, जेस्टी। जेस्टी का एक और मीनिंग भी है, और वो है मार्क्ड बाय स्पिरिटेड इंजॉयमेंट, बहुत ही हाई स्पिरिट की खुशी, तो वो भी इस सेंटेंस में हम बना सकते हैं, हर सॉन्ग वाज जेस्टी, मतलब हाई स्पिरिट और इंजॉयमेंट से भरपूर था, तो वो हो गया जेस्टी। तो चलिए, द सिनोनिम्स फॉर द वर्ड जेस्टी कैन बी लाइक बामी या फिर पिक्वेंट। तो चलिए, द 15th वर्ड वाज जेप्ट, ZABPED, जेप्ट, ZABPED, जेप्ट। तो दोस्तों, इसका मतलब बताया था मैंने, स्ट्राइक सडनली एंड विद फोर्स, एकदम से, सडनली एकदम से फोर्स से मारना, तो उसे हम कह देते हैं जेप। जैसे दिस शो जैप्स द व्यूअर्स विद सम शॉकिंग सीन्स, ये प्रोग्राम देखते देखते एकदम से खून खराब आ जाता है, तो जो देखने वाले हैं वो बिल्कुल शॉक में रह जाते हैं, तो जैप मतलब एकदम से फोर्सफुली स्ट्राइक करता है। तो या फिर सपोज कीजिए एक टीम है और उन्होंने अपने मेंबर्स को कहा कि जैप द एनिमी, कि जो एनिमी है उसे बिल्कुल खत्म कर दो, एकदम से उस पर हमला दो और फोर्स के साथ उसे मारो, तो जैप द एनिमी, खत्म कर डालो। और दोस्तों, जैप का एक और मीनिंग भी बताया था, और वो था कुक और हीट इन अ माइक्रोवेव ओवन, माइक्रोवेव ओवन में कुछ गर्म करें, तो उसे हम कह देते हैं जैप। जैसे यू कैन जैप द लेफ्ट ओवर्स, जो बच गया खाना वो बाद में गर्म करके खा सकते हो, सो जैप माइक्रोवेव में कर लेना। तो सिनोनिम्स फॉर द वर्ड जैप कैन बी लाइक एटमाइज्ड या फिर माइक्रोवेव्ड। तो दोस्तों, 16th एंड द लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज जीजाइस्ट, ZEITGEIST, जीजाइस्ट, ZEITGEIST, जीजाइस्ट, यानी कि द स्पिरिट ऑफ द टाइम, द स्पिरिट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एज और जनरेशन। तो किसी समय, किसी एज, किसी जो कुछ समय चल रहा है, ईरा चल रही है, तो उस समय का जो स्वाद है, जो फ्लेवर है, जो उसकी मूड है, उसे हम कह देते हैं जीजाइस्ट। जैसे, या फिर जैसे देखो, द डिफाइनिंग स्पिरिट और मूड ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज शोइंग बाय द आइडियाज एंड बिलीव्स ऑफ द टाइम, मतलब उस समय के जो बिलीव्स थे, आइडियाज थे, इंटरेस्ट थे, पेंटिंग्स थी, म्यूजिक था, वो दर्शाते कि उस समय का क्या स्वाद रहा होगा, क्या मूड रहा होगा, सो जी। तो इस चीज को हम क्या कह देते हैं, जीजाइस्ट, ZEITGEIST, जीजाइस्ट। तो दोस्तों, सेंटेंस बनाते हैं, द स्टोरी कैप्चर्ड द जीजाइस्ट ऑफ द लेट 1960s, कि 1960 में जो हुआ करता था वो सब कुछ स्टोरी ने दर्शा दिया, तो जीजाइस्ट। द सिनोनिम्स फॉर द वर्ड जीजाइस्ट कैन बी लाइक फील, मूड, फ्लेवर। So, dosto, these were the four words. Let me take a quick break and I'll be right back with the last segment. You are listening to Vocabulary Dose and I am RJ Divya Sharma. Happy listening. Radio, you are listening. Radio U, a flavor of life. www.radioudaan.com. So, dosto, now we are in the last segment of this 67th episode of Vocabulary Dose, and today we have talked about competitive words starting with letters X, Y, and Z.
तो दोस्तों उम्मीद है मुझे कि ये वर्ड्स आपको समझ आए होंगे और उनके सिनोनिम्स भी आपने बिल्कुल ध्यान में रखे होंगे। तो चलिए अगर कोई डाउट्स हैं या कुछ समझ नहीं आया या कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछिए। हमारी वेबसाइट है www.radioudaan.com। फेसबुक पे आप हमारा पेज लाइक कर सकते हैं, यूआरएल है www.facebook.com/radioudaan। ट्विटर पे रेडियो उड़ान है नाम। साथ ही दोस्तों हमारा ईमेल आईडी है mail@radioudaan.com। मेरा यानी कि दिव्या शर्मा का स्काइप आईडी है divya31s। तो दोस्तों जुड़िए और अपने डाउट्स बिल्कुल क्लियर कीजिए। अगर कोई डाउट्स हैं तो बिल्कुल पूछिए क्योंकि डाउट्स पूछ के ही क्लियर होंगे। और अगर आपके पास कोई आइडियाज हैं तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर कोई एपिसोड छूट भी गया या फिर आप वोकैबुलरी डोज के अब तक के सभी एपिसोड सुनना चाहते हैं या कोई छूट गया तो वो सुनना चाहते हैं, आप यूट्यूब चैनल पे भी जा सकते हैं। रेडियो उड़ान के चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके वहाँ आपको वोकैबुलरी डोज के सभी एपिसोड्स मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे भी बिल्कुल सुन सकते हैं। और यस फ्रेंड्स, अगर आप वैसे चाहते हैं तो आप हमसे भी मांग सकते हैं, विल प्रोवाइड यू विद द नीडेड एपिसोड्स। तो दोस्तों नेक्स्ट ईयर यानी कि अगले हफ्ते हम नए साल में कदम रखने वाले हैं, तो हम शुरुआत करेंगे नए कंसेप्ट की। आज जो कॉम्पिटेटिव वर्ड्स का कंसेप्ट था वो समाप्त होता है और नया कंसेप्ट शुरू करेंगे हम नेक्स्ट वीक। मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे यानी कि थर्सडे 7-8 PM एंड फ्राइडे 2-3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइव। आई एम दिव्या शर्मा लॉगिंग ऑफ डायरेक्टली फ्रॉम नियानंगल स्टूडियो पंजाब इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड लक एंड हैप्पी लर्निंग।